माधव सेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख, वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जगन्नाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी है, अपने पुरुषार्थ से लिखी है, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई के मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ न कभी रुका है न कभी झुका है, यही तो नौशेरा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है,
और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं।